मोटिवेट करने के लिए अपना इंटेंशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए. व्हाई यू वांट टू बी सिविल सर्विसेज, दैट व्हाई इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन माय जर्नी. सेकंड थिंग, माय हॉबीज एंड इंटरेस्ट कीप मी अलाइव. सबसे मोटिवेट रहने के लिए आप क्या करते थे? मोटिवेट रहने के लिए कुछ नहीं, अपने आप अपने ड्रीम को अपने आप दिमाग में रखो और मेहनत करते रहो. जरूरी नहीं है कि हम लोग वहाँ पहुँचे ही या फिर उससे आगे भी पहुँच जाए, सो बेटर है टू कीप फ्लोइंग. मोटिवेट के लिए यू रियलाइज दैट व्हाई आर यू इन दिस प्रोसेस. फर्स्ट यू सी योर गोल पर्पस एंड इफ यू देयर इज अ जेन्युइन इंटेंशन दैट यू रियली वांट टू बी इन दिस, देन आई थिंक दैट इंटरनल मोटिवेशन कम्स. मैं बोलना चाहूंगा जेन्युइनली मोटिवेटेड तो ही इस फील्ड में आए. फील्ड में थोड़ा पेशेंस चाहिए, ऑन एन एवरेज भी आपको 2-3 साल लग ही जाते हैं. तो इफ़ यू आर पेशेंट इनफ और आपके पास प्लान बी है या कुछ है कि जो कर सकते हैं आप, तो आप इस फील्ड में आए. तो टर्म दिए, इसका मतलब यूपीएससी के लिए पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है. तो सर आपने पेशेंस के लिए रखने के लिए सबसे ज़्यादा क्या किया? पेशेंस आता है तो हमारा मोटिवेशन से. अगर तुम जनरली मोटिवेटेड हो तो हमें करना ही है, तो पेशेंस अपने आप आ जाता है. बट यस, मैंने मेक श्योर किया कि मैं साथ बाद कुछ करता रहूँ साइड बाय साइड. तो मैं जॉब भी करता हूँ एक्चुअली, मैंने उससे पहले पढ़ाई भी किया. मैंने कभी सोलो प्रिपरेशन ज़्यादा नहीं किया, बट मैं पढ़ाई करा या फिर मैं जॉब करता रहा साथ में. मोटिवेट रहने के लिए आप क्या करते थे? यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ, यू हैव टू बिलीव इन योर ड्रीम एंड ट्राई करती रहिए. अगर आपको यही करना है देन यू विल सक्सीड वन डे, गिवन द फैक्ट कि आप रिक्वायर्ड हार्डवर्क करिए एंड इम्प्रूव करिए खुद को. फुल वीडियो देखने के लिए कमेंट बॉक्स पे क्लिक करें.